शूटिंग तो हमेशा ही मुझे कश्मीर में बहुत अच्छी लगती है. इस टाइम हम शूट कर रहे थे म्यूज़िक वीडियो के लिए जो डैनिश रेंजू ने बनाई है, डायरेक्टर साहब है वो हमारे. और इस म्यूज़िक का म्यूज़िक वीडियो का नाम है सोनपन. ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा, गोल्डन लीफ. एंड ये स्टोरी बहुत खूबसूरत है. एक नॉर्मल म्यूज़िक वीडियो की तरह नहीं है जहाँ पे एक लड़का लड़की को प्रेम हो जाता है और फिर वादियाँ और ये सब में वो लोग गाते हैं. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट दिस गर्ल कि शायद उसका जो बॉयफ्रेंड है या उसका जो लवर है, दे हैव डिसाइडेड टू पार्ट वेज एंड शी इज़ अपसेट, शी इज़ हर्ट. और जब इंसान का जब रिश्ते में दरार आती है तो वो अपने आप को ढूंढने लगता है, क्योंकि हम इतने इन्वॉल्व्ड है रिलेशनशिप्स में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, मदर डॉटर का हो, फ्रेंडशिप का हो, लवर का हो, हम अपने आप को भूल जाते हैं. और ऐसा होता ना कि रिलेशनशिप का जो इतना इम्पोर्टेंस है कि अगर वो ख़राब हो तो सब कुछ ख़राब लगने लगता है, अपनी ज़िंदगी ख़राब लगने लगती है, अपना काम ख़राब लगने लगता है. तो ये लड़की की कहानी है जो उसका रिलेशनशिप में अभी दरार हुआ है और वो अपने आप को वापस खोजना चाहती है, जो अपने आप को भूल चुकी है. तो वो कौन सा डेस्टिनेशन सेलेक्ट करती है? हेवन ऑन अर्थ, कश्मीर. तो वो कश्मीर आती है, पहले बहुत सैड है जो भी आती है, और आस्ते आस्ते जिस तरह से उसका डिस्कवरी होता है वादियों को देख के, खूबसूरती को देख के, और अपने आप को भी ढूंढने लगती है, और किस तरह से कश्मीर की खूबसूरती में वो अपने सारे पास्ट, अपने सारे दुखों को भूलकर उसको एक नई ज़िंदगी मिलती है. तो ये ट्रांजिशन है खूबसूरत म्यूज़िक वीडियो का. क्या इसको कश्मीर हमेशा से ही एक टॉप डेस्टिनेशन रहा है पूरे इंडिया के लिए, यू नो, चाहे वो शूटिंग के लिए हो, चाहे वो ट्रैवलिंग के लिए हो. इनफैक्ट वर्ल्ड में कश्मीर ने अपना नाम काफ़ी बनाया हुआ है. तो यूथ पार्टिसिपेशन का आप डैनिश के साथ जो हमारे ताहिर जी है वो आपको बताएंगे, बिकॉज इन्होंने बहुत सोच समझ के ये स्टोरी लिखी है. और यहाँ ये तो कश्मीर से ही है. तो यू वांट टू से समथिंग अबाउट? अच्छा, यहाँ का खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. हम नॉर्मली विंटर्स में आए हैं, ये पहली बार हमने ये थोड़ी गर्मी देखी है, लेकिन जब भी आए हैं यहाँ का माहौल हमेशा एक आई डोंट नो, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जैसे बोलते ना कि यहाँ पे हम बसना चाहते हैं, वैसे काइंड ऑफ अ फीलिंग है.